ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, और मुझे अच्छी तरीके से बताएं कि सब्जेक्ट क्या दिया, आप बहुत दिनों से कर रहे थे है ना, और ये मेरा 10th सब्जेक्ट होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 9 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, सोम, एफएम, आरसीसी, स्टील, सर्विंग, इरिगेशन है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ऐसे करते करते आप लोगों ने 10 सब्जेक्ट पूरे कर लिए हैं, और मतलब ये मेरा 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे आगे डिस्कस करूं इस बात ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, उसको स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अच्छे से करेंगे। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि जब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करते हो ना, जब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हो, तो आप बैच स्टार्ट करते हो कहां से, आप बैच स्टार्ट करते हो इस यूनिट नंबर 1 से, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। आप लोग जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हो, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बार बार ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बोल रहा हूं, मैं हाईवे इंजीनियरिंग नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमको यह लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाईवे होता है। आज मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है क्या, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहली तो ये। तो अब हमारे पास चॉइस क्या है, या तो हम लोग यही से फर्जी तरीके से चालू करते हैं कि भैया ठीक है यूनिट नंबर 1 लिखो, ट्रांसपोर्टेशन की यूनिट नंबर 1 है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, बट ये होता है बिल्कुल फर्जी तरीका। सीरियसली भैया, आप सब्जेक्ट को समझे बिना जब सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, आज अगर मैं आपसे पूछूं आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो, आप बोलोगे सर हमें सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस पता है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्यों कर रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी, मत करो, नहीं सर हमको सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस पता है। तो सेम सब्जेक्ट के साथ भी है, जब तक आपको सब्जेक्ट का अस्तित्व पता नहीं लगेगा सब्जेक्ट है क्या, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हो हाईवे डेवलपमेंट इज प्लानिंग, और रोड्स के बारे में, रोड्स की हिस्ट्री क्या है, कब रोमन्स ने क्या बनाया, तब से आप हाईवे पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कि टोटली गलत है। मैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, एक या दो लेक्चर्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का ओनली इंट्रो पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन है क्या, और उसके बाद हम लोग अपनी यूनिट्स पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, आज भगवान का नाम लेकर हमारा नया सब्जेक्ट चालू करते हैं, अपने अपने भगवान का नाम ले लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा कब आता है, जब उस सब्जेक्ट का हमें लेवल पता हो कि वो कितना आता और कितना नहीं आता। अगर हम लोग ये बात करें कि अगर हमें सब्जेक्ट का लेवल ही पता नहीं होगा कि भैया ये कितना, अगर कल को मैं बोलता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन 1 मार्क्स का आता है, या ट्रांसपोर्टेशन आता भी नहीं है, तो हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आने वाला। अगर हम लोग बात डिस्कस करें कि भैया ट्रांसपोर्टेशन आता है कभी कभार, आया कभी कभार, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता है, आपको पता है कि जब भी मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस बताता हूं, हमारा टारगेट क्या है भैया, सरकारी में सेलेक्ट होना हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट जॉब। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, तो मैं अपना एनालिसिस जो करूंगा वो ओनली गवर्नमेंट जॉब्स की करूंगा। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बीटेक वाले भी पढ़ सकते हैं, वो जितने भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट मेरा फोकस जो है वो किस, डिप्लोमा वाले सब पढ़ सकते हैं, आप अपने बीटेक में पढ़ो, डिप्लोमा में पढ़ो, सब मैं पढ़ सकते हो, बट मेरा जो फोकस रहेगा मेन वो रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले एक एग्जाम एनालिसिस देखते हैं कि भैया ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या लेवल है, एग्जाम में आता भी है या नहीं आता है, या हम बस टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं जी ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्स में आता है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम के एनालिसिस की बात करूं, तो देखो सबसे पहले हम लोग ना 3 एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा जब से मैं सॉम पढ़ा रहा हूं, आज मेरा 10वां सब्जेक्ट है ये, मैं इन 3 एग्जाम्स में जरूर लेके चलता हूं, गेट को, आईपीएस को एंड एसएससी जेईई को, मैं इन 3 एग्जाम्स को हमेशा लेकर चलता हूं। क्यों चलता हूं लेकर, क्योंकि मुझे पता है ये 3 एग्जाम्स हमेशा आएंगे ही आएंगे, हमेशा उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर कल को मैं बोल दूं मैं पंजाब जेईई के बारे में बता दूं, पंजाब जेईई की एक फिक्स डेट नहीं होती, हरियाणा जेईई की एक फिक्स डेट नहीं होती, जब वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, जब वहां पर वहां पर वैकेंसी निकल जाती है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स को स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं। तो अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा आइडिया लग गया तो हम दूसरा भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, अब आपको एक चीज अच्छी तरीके से भली भांति पता होगी, क्या, अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम के मार्क्स अलग है, आप समझ रहे मेरी बात, अगर हम गेट की बात करें तो गेट अलग मार्क्स का आता है,
अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका भी एक नंबर मतलब मार्क्स अलग है, और अगर हम एसएससी जेईई की बात करें तो सबके मार्क्स अलग अलग है। तो अगर इस एनालिसिस को मैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स बनाता तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि कोई 100 का है तो कोई 300 का है तो कोई 200 का है ना, कोई 600 का है, तो अलग अलग मार्क्स है। हम अगर गेट की बात करें, आईपीएस की बात करें, एसएससी जेईई की बात करें, तीनों के जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो अलग अलग है। तो हमने क्या करा भाई, हमने परसेंटेज में बता दिया, परसेंटेज तो 100 में से निकलती है हमेशा। मान लो अगर एसएससी जेईई आपका जो टेक्निकल है वो 100 मार्क्स का है ना, तो उसमें से भाई ट्रांसपोर्टेशन की कितनी वैल्यू है ना, इस तरीके से हम लोग पढ़कर चले गए। ठीक है, तो मार्क्स सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम डिस्कस, अगर हम गेट की बात करें तो गेट में ये आपका 6% to 8% आता है। गेट में आपका ये 6% to 8% आता है। अगर लास्ट ईयर का एनालिसिस देखें, और जनरली ये जो एनालिसिस है ये लास्ट 5 years का है, जनरली अगर हम एनालिसिस के बाद डिस्कस करें तो ये लास्ट 5 years का एनालिसिस है। तो गेट में 6 से 8 मार्क्स का मतलब 6 से 8% आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रांसपोर्टेशन पूरे इंडिया में जो एग्जामिनेशन है, ट्रांसपोर्टेशन किस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, स्टेट के हैं, सेंट्रल के हैं, कोई जेई के हैं तो कोई असिस्टेंट इंजीनियर के, कोई एडब्ल्यूई के, एडब्ल्यूई जानते हो ना, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मिलती है। तो अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन एक एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आता है, और उस एग्जाम का नाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको आप एक्चुअली आईपीएस नाम होता ही नहीं होता, ईएसई। जो यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है वो हमेशा ईएसई के नाम से निकालती है, इसका जो रियल नेम है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, हमने इसको आईएएस बना दिया। आईएएस कभी भी यूपीएससी जो होगी ना, कभी भी आईएएस अगर नोटिफिकेशन निकालती है तो दैट मींस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। आईएएस अगर यूपीएससी कभी भी आईएएस नहीं लिखती, क्या लिखती है, ईएसई। तो हम लोग आईएएस बन गया ट्रेंड, तो हम लोगों ने भी चालू कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में 8% to 9% आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन बोल रहा हूं, मैं हाईवे नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन बोल रहा हूं, मैं हाईवे नहीं बोल रहा हूं। और अब भरोसा रखो मुझे, मुझ पर, कि मैं सब्जेक्ट की बहुत जबरदस्त डेप्थ पर जाऊंगा। आज तक आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप सर आपने कोई भी सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से निकाल दिया, क्योंकि मैं वो धांधली नहीं करता ना, कभी कोई एग्जाम आया तो उसके लिए पढ़ाना चालू करते, कभी कोई एग्जाम आया तो उसके लिए पढ़ाना चालू करते। मैं एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ता हूं और बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाऊंगा, इसमें भी हम लोग डेप्थ पर चलेंगे। ठीक है, तो अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे खासी परसेंटेज में 8% to 9%, गेट में भी क्या 6% to 8%। अब 70% स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका टारगेट होता है एसएससी जेईई। तो अगर आप देख सकते हो तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दो पार्ट में होता है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस, दैट मींस कन्वेंशनल। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम बारे में बात करें तो 8% to 9% तो आएगा ऑब्जेक्टिव में, और मेंस का आएगा 12% से 13%। 12% से 13% आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है कन्वेंशनल में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही लगाव प्यारे एग्जाम की, जिसका नाम है एसएससी जेईई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। क्योंकि 70% बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और 30% बच्चे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पर जाते हैं। मैं आपको श्योरिटी बोल रहा हूं कि जो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है ना, आज वो चाहे जेईई की तैयारी कर रहा हो, जिसने बीटेक करा हुआ है, वो फ्यूचर में आईएएस के लिए जरूर जाएगा। क्यों करेगा प्रिपरेशन आईएएस के लिए, क्योंकि आज भी मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे भी आप आईएएस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते होंगे। तो आप लोग सोचोगे यार, जब मैं बीटेक हूं और मैं इतने सारे आईएएस के क्वेश्चंस कर पा रहा हूं तो मैं जेईई बनकर क्यों, मैं ऑब्वियसली एडब्ल्यूई बनकर जाऊंगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, बात करते हैं एसएससी जेईई। तो एसएससी जेईई का अगर लास्ट के 4-5 साल का एनालिसिस देखें, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एसएससी जेईई के लास्ट के 4 से 5 साल का एनालिसिस में देखूं, एक्चुअली 5 साल का देखूंगा, तो प्री में आता है ये 3% to 4%, दैट मीन 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन, 100 में से 3 में से 4 क्वेश्चन किसके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के। और मेंस में भी कितना कवर करता है आपका 4% to 5%। फिर रिपीट कर रहा हूं, अब अगर हम बात करें गेट की, आपको पता है गेट में सबसे ज्यादा क्या आता है, सॉइल।
हर एग्जाम ने अपने कुछ सब्जेक्ट्स को फेवरेट बनाया हुआ है। अगर हम लोग एसएससी जेई की बात करें तो उसने बीएमसी को फेवरेट बनाया हुआ है। एसएससी जेई किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें ऊपर नीचे कर सकता है, बट एसएससी जेई कभी भी बीएमसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता। बीएमसी वो देता ही है, क्यों देता है, क्योंकि कल को आप जूनियर इंजीनियर बन के जाओगे ना तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। क्यों इग्नोर, वो आपको एस्टिमेशन भी देता है क्योंकि जेई को एस्टिमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो आपको जबरदस्त भर भर के देता है। सेम तो गेट की अगर हम बात करें तो गेट में सॉइल आता है, इंजीनियरिंग सर्विस में तो सभी बराबर आते हैं, एक कुछ पार्शियलिटी नहीं होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। एसएससी जेई में बात करें तो हमारा बीएमसी का बहुत वेटेज है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बोला कि अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस करता हूं तो एसएससी जेई के प्री में 100 में से जो क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के। बट एक बार लेटेस्ट एग्जाम में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी बात आप ध्यान सुनो क्योंकि 70% बच्चों का टारगेट यही होता है, आपके लेटेस्ट एग्जाम में एसएससी जेई में एक बार 7 क्वेश्चंस आए, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ये दैट मींस एसएससी जेई के 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से लास्ट 5 इयर्स में एक बार आपके 7 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस आए आपके? 7 क्वेश्चंस। That means, एक बार इसने 7% कवर करा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखना भाई साहब, देखो मैं आपके साथ बिल्कुल धोखा नहीं कर सकता, एग्जैक्ट जो एनालिसिस है आपको ये मिलेगा। और पहली बात मैं आपको अच्छी बता देता हूं, जितने भी ये चीजें बता रहा हूं मैं लिख लेना क्योंकि ये चीजें कभी भी एक साथ आपको लिखी भी नहीं मिलती है, गेट की एसएससी जेई की आपको एक साथ कभी लिखी भी नहीं मिलेगी और बहुत इनकम्प्लीट मिलेगी, या तो एसएससी जेई की मिलेगी या फिर गेट की मिलेगी, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ आप लिख लेना अपने रजिस्टर में, आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें एसएससी जेई की तो 3 से 4% एवरेज है, बट हाँ लास्ट के एग्जाम में ये आपका 7% आया था। तो एसएससी जेई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। तो क्या मतलब है कि हाँ हमें ये तो दिख रहा है कि गेट में इंपॉर्टेंट है, आईईएस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में 3 से 4% था, बट अब जहां पर वो 7 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के आए थे एक एग्जाम में एसएससी जेई सिविल में, अब उसका क्या करोगे? तो जिन बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं पढ़ा होगा ये सोच के कि यार ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत कम आता है, छोड़ो उनके 7 क्वेश्चन डायरेक्ट छूटे होंगे। 7 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी। सबसे ऊपर CPWD, एक नंबर खिसका MES, एक नंबर किसका सेंट्रल वोटर कमीशन, एक एक नंबर से पूरे डिपार्टमेंट खिसकते जाएंगे, आपके ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो 7 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात होती है। चलो अब अगर मैं स्टेट जेई की बात करूं, लाइक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, अगर हम इन स्टेट्स की बात करते हैं प्री प्लस मेंस दोनों, क्या करा मैंने सारे स्टेट के जेई के एग्जाम पेपर देखे, भाई क्या है क्या है क्या है। तो ये देखा कि जितने भी स्टेट के एग्जाम से, लाइक उत्तर प्रदेश में कोई जेई का एग्जाम हो रहा है या हरियाणा में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है, तो वहां पर भी जेई में प्री प्लस मेंस 6% से 7%, प्री में भी 6 से 7% आ रहा है और मेंस में भी 6 से 7% आ रहा है। दूसरी बात अगर हम स्टेट ए की बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, तो आपका 8% से 8% to 10% ही आ रहा है, 8 से 10%, दैट मींस प्री में भी 8 to 10% आ रहा है और मेंस में भी 8 to 10% आ रहा है। दैट मींस ये था एग्जाम एनालिसिस। मैं बोलता हूं अब ध्यान सुनना, 100% बच्चे हैं तो 100% में से 30% बच्चे तो हो जाएंगे आईईएस और गेट के लिए और रिमेनिंग 70% हो जाएंगे इसके लिए, एई के लिए, स्टेट जेई के लिए और एसएससी जेई के लिए। तो भाई साहब देखो जी एसएससी जेई वाला सुन लो, 70% जो स्टूडेंट्स मुझे पढ़ते हैं, मैं सच बोल रहा हूं 70% जो स्टूडेंट मुझे से पढ़ते हैं वो एसएससी जेई वाले, क्यों है? क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल नौकरी निकलनी ही है। मैं कह रहा हूं ये सारे ट्रस्टवर्दी डिपार्टमेंट है जितने भी हैं, सब संरक्षित डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एसएससी जेई वालों देख लो, अगर आप उस दिन एग्जाम देने गए होंगे जिस दिन ये 7 क्वेश्चन आए थे, तो एसएससी जेई के बारे में आपको पता लग चुका होगा, पैटर्न हो गया चेंज, ठीक है जी। खत्म करते हैं इस कहानी, तो यहां पर एग्जाम एनालिसिस को मैं एंड करता हूं और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूं, ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ये ध्यान रखना ये तुक्के से लिखे हुए नहीं है, ये एक एक चीज एनालाइज करके लिखी है ना, सारे जेई के पेपर उठाए इन, ये 6 से 7% लिखने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ये बात, ये 6 से 7%
ये तुक्का नहीं है, लिख दो वही चीज के साथ, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है चलो नेक्स्ट चालू करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं बातें कि हमको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों है और सर आपसे क्यों पढ़ना है, भाई जब सवाल होना चाहिए ना सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पहली बात तो पढ़ना क्यों है, तो उसका एक आंसर है जो बीटेक में है उनको पास होना है, अपनी डिग्री लेनी है। जो सरकारी नौकरी में है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आता है। तो पहली डाउट क्या है भैया, पढ़ना क्यों है, बीटेक वालों को पास होना अच्छे मार्क्स से, बीटेक वालों को पास होना अच्छे मार्क्स से और सरकारी वालों को सरकारी में सिलेक्ट होना है। तो मुद्दा तो ये रहा, बीटेक से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, बीटेक से मुझे अभी कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब इससे ओनली जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ मैं जितना पढ़ा रहा हूं बीटेक वाले पढ़ लो, सब कुछ इसमें से आता है, बट मेरा मेन फोकस इस पर रहेगा गवर्नमेंट जॉब वालों पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर अब मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, आपका अगला सवाल कि सर आपसे क्यों पढ़े, आप लगा दोगे 60-70 लेक्चर्स, तो भैया दो चीजें हैं, आप क्या चाहते हो, देखो आप गवर्नमेंट जॉब पे भी सेलेक्ट होकर चल जाओ या प्राइवेट जॉब कर लो। हर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, मान लो 10 इंजीनियर है तो उस 10 इंजीनियर्स में से हम चलो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जितने भी लोग पहुंचते हैं वो सारे के सारे मेहनत करके पहुंचते हैं A to Z, बट उन मेहनत करने वालों में से भी कोई ना कोई ऐसा सुपीरियर होता है जो अपनी नॉलेज से अपने सीनियर को ऐसा कन्विंस कर देता है ना भाई सब पूछो मत क्या आप क्या बनना चाहते हो, कल को मान लो रट रटा के सरकारी में पहुंच भी गए तो आपका सीनियर क्या बोलेगा आपसे, अरे यार सब कुछ नहीं आता यार, इसको इसको मेरी टीम में मत डालो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन चाहे आप कितना रट के सरकारी में चल जाओ अगर आपको वहां पर जाकर नॉलेज नहीं है ना, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज से भाई सब सीनियर्स को फैन बना के रखा है अपना, तो दैट मीन्स अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो ट्रस्ट मी आपके सीनियर्स आपकी नॉलेज से है ना खुश हो जाएंगे और बोलेंगे भाई तू मेरी टीम में आ जा, भाई तू मेरी टीम में आ जा, ट्रस्ट करो मैं जिस दिन अपना देखो आज तक सारे काम कर रहे हैं सारे गलत काम कर रहे हैं बट सीरियसली कभी फर्जी नहीं पढ़ाया, सच बोल रहा हूं, और इसलिए फर्जी नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप सेलेक्ट होकर अपने डिपार्टमेंट में चल जाओ ना तो आपकी इज्जत होनी चाहिए, यार ये तो मुझको पता है, और आप बिलीव करो मुझ पर कि मैं आपको साइड की चीजें कब मिक्स होकर पढ़ा देता हूं आपको पता भी नहीं लगता, मैं साइड और बुक्स को ऐड करके ले आता हूं चीजों और आपको फील भी नहीं होता, और जब कल को आप साइड पर पहुंचोगे ना ट्रस्ट मी आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करते करते थक जाएंगे अगर आपने मेरा एक लेक्चर ढंग से देखा है तो, वरना फिर कोई बात नहीं, हर कोई तो तारीफ नहीं चाहता, तारीफ चाहते हो ना सीनियर्स से तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है अब बीटेक वालों को करो साइड में, हमें किससे मतलब है, ओनली गवर्नमेंट जॉब से मतलब है, किससे मतलब है जी गवर्नमेंट जॉब से मतलब है, कल को आप सरकारी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होकर चल जाओगे, कल को आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर चल जाओगे, बिल्कुल जाओगे, क्यों मैं तो बोलता हूं एक 10 भी सीट निकले तो 10 में जाओ, 20 भी सीट निकले 20 में जाओ, कभी ये मत सोचना वैकेंसी कम निकल रही है ज्यादा निकल रही है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, तो उस लेवल का पढ़ो कि अगर 10 भी सीट निकले ना तो उसमें से एक सीट तुम्हारी में चाहिए, और कोशिश करना फर्स्ट या सेकंड रैंक आए उसका स्वाद अलग होता है ना, कभी मत डरना 10 सीटें हैं 5 सीटें में, लिटरली मैं भी जब सेलेक्ट हुआ हूं ना तो बहुत कम कम सीट में सेलेक्ट हुआ हूं, मुझे पता है जब मैं RRB अहमदाबाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर सेलेक्ट हुआ था ना तो ओनली 20 सीट्स थी वहां पर, तो मैं हुआ था सेलेक्ट, अगर मैं भी डर जाता कि मैं तो राजस्थान से हूं मैं गुजरात एग्जाम देने जा रहा हूं यार 20 ही सीट्स है, कुछ नहीं होता भाई हुआ ना सेलेक्ट, कभी मत डरना इस चीज का। ठीक है जी अब आगे बात डिस्कस करते हैं, कल को आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट में चल गए तो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कल को आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट चल गए क्यों नहीं जाओगे, जब तैयारी करोगे तो क्यों नहीं जाओगे, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं अगर आप उन डिपार्टमेंट्स में चल गए ना तो आपको इस ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप उन डिपार्टमेंट्स में चल गए वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि मैं देखो प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, और कौन बेवकूफ ये बोलता है कि बुक्स की नॉलेज साइट पर काम नहीं आती,
ऐसा साइट वाला कौन है मेरे सामने लेकर आना चाह रहा जो बोलता है बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भैया बुक्स जो आप पढ़ते हो ना वही नॉलेज बाद में काम आती है साइट पर। ये सब कहने की बातें हैं कि बुक्स की नॉलेज साइट पर काम नहीं आती, बिल्कुल काम आती है बुक्स की नॉलेज साइट पर। किसने बोला नहीं आती है? और ये जो बोलते हैं ना कि बुक्स की नॉलेज साइट पर काम नहीं आती, वही बाद में बुक्स खोल खोल के पढ़ते हैं कि यार ये कैसे श्रम कौन टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। भाई सारी इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हो ना वो सारी आपकी साइट पर काम आती है, इस गलत फहमी मत रहना कि नहीं आती है। ठीक है जी, आगे चल पढ़ते हैं। तो हम मानते हैं कि भैया आप पढ़ रहे हो मुझसे तो भैया सारे के सारे सरकारी बनोगे अगर ढंग से पढ़े तो। मैं तो ढंग से पढ़ा दूंगा, मेरा फर्ज जो है, आपका फर्ज क्या है? पढ़ना। तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपने इनमें ज्वाइनिंग कर ली ना तो भैया आपको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही खतरनाक नॉलेज होनी चाहिए। और ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर हमें नहीं जानना, सर जी हमको नहीं जानना कि कौन से सरकारी डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई साहब, अगर आपको ये मैं डिपार्टमेंट्स नहीं बताऊंगा, कल को इन डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी निकल गई तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा आएगा इसमें, समझ लो मेरी बात। आप बोलोगे हमको नहीं जानना भाई साहब कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। भाई साहब ये इसलिए लिखे हैं ना, कल को इनकी वैकेंसी निकलती है ना तो ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त पढ़कर जाना, छोड़ना मत गलती से भी। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी लिखे हैं। और मैं देखो प्राइवेट कंपनीज के भी नाम लिख सकता था बट मेरा टारगेट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स रहेगा, इसलिए मैंने प्राइवेट कंपनीज के नाम बाद में हटा दिए, मैं ओनली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो क्यों लिखा? ताकि अगर कल को इनकी वैकेंसी निकलेगी तो ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त पढ़कर चल जाना। चालू करता हूं, मैं ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड्स तो आप लोग जानते ही हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक पोर्शन को कवर करती है, और उस पोर्शन का नाम क्या है? रोड्स एंड हाईवेज। सबके मिनिस्टर अलग अलग हैं, इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज होती है इनको एक मिनिस्टर लीड करते हैं जो कि एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। जितने भी मिनिस्ट्रीज मैं आपको बताऊंगा इनके सबके हेड मिनिस्टर्स होते हैं, और वो मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि बहुत फेमस है, और आपको इनके मिनिस्टर का नाम भी पता होगा जो इनके सीनियर मिनिस्टर है जो इसको इस डिपार्टमेंट को गवर्न करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा नाम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं जो बात डिस्कस कर रहा हूं, कल को अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब देख लो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में कौन कौन से अच्छे मतलब जो फेमस डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें और भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने आपका लेक्चर फिर बहुत ही लंबा लग जाएगा, तो मैंने थोड़ा वो डिपार्टमेंट्स लिए हैं जिनकी वैकेंसीज निकलती हैं, और आप लोग फिर इनको जब कल को नौकरियां निकलेंगी तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना होगा, थोड़े फेमस डिपार्टमेंट है। अगर मैं बोलूं क्या आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में नहीं जानते, बोलोगे सर जानते हैं ना, किसने बोला नहीं जानते? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कौन नहीं जानता है ना। तो अगर एनएचएआई, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एनएचएआई, एनएचएआई में वैकेंसी निकलती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त पढ़ के आना पड़ेगा। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस डिपार्टमेंट का नाम आपने शायद कम पढ़ा है, ये डिपार्टमेंट ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, आज तक आपको ट्रांसपोर्टेशन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, आप डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हो मैं आपको बताऊंगा ना वीकनेस, आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो हाईवे डेवलपमेंट। अरे ऐसे नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट, सब्जेक्ट का अस्तित्व ही नहीं पता है, सब्जेक्ट का अस्तित्व तो पता नहीं होता और हम पढ़ाई चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं होती भाई, सब पढ़ाई ना, ध्यान रखना ठीक है, पढ़ना है तो सब्जेक्ट के डिटेल में घुसो, जब तक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता नहीं लगेगी, मुझे टाइम लगेगा यूनिट नंबर वन पे आने में, बट मेरे को पहले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है ना भाई, ठीक है ध्यान से देखना। तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एंड इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ये चारों के चारों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आते हैं, और कल को अगर इनकी नौकरियां निकलती हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूं, मेट्रो तो आप जानते ही हो भाई, मेट्रो के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? कोलकाता मेट्रो, किस किस को लगता है कि मेट्रो इंडियन रेलवे के साथ या इंडियन रेलवे के अंडर काम करता है? ध्यान रखना भाई साहब,
मेट्रो इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं है, मेट्रो किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑल मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, है ना, क्योंकि हमें लगता है वो भी तो ट्रेन ही है, तो ट्रेन होगी तो रेलवे के अंडर होगी, नहीं जी, इंडियन रेलवे को गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इनके भी मिनिस्टर अलग होते हैं, याद रखना, इनके भी मिनिस्टर एमपी होते हैं, आपको नाम अच्छी तरीके से पता होगा, ये आपकी जीके है, आप खुद इंप्रूव करो इसको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कल को इंडियन रेलवे का एग्जाम निकलता है तो आपको इस ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी, अब आप बोलोगे सर सीपीडब्ल्यूडी, भैया दिल्ली पीडब्ल्यूडी जो होता है ना वो भी सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू ही एग्जामिनेशन होता है, जो दिल्ली पीडब्ल्यूडी है ना वो भी सीपीडब्ल्यूडी के लोग लगते हैं वहां पर, है ना, तो वहां पर सीपीडब्ल्यूडी आप किस में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। व्हाट इज एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। व्हाट इज डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, दिल्ली के दिल्ली में पोस्टिंग है ना, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें जाओगे तो भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और मेट्रो का एग्जाम दोगे तो मेट्रो में ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, शिप्स जो होते हैं, जो हमारा सामान बाहर की कंट्रीज से लेकर आते हैं या हम अपना सामान बाहर की कंट्रीज में देते हैं, है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में कौन सा आते हैं, पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स है, लाइक मुंबई, चेन्नई, जितने भी पोर्ट्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसमें आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI एंड एयर इंडिया। तो अगर इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको कल को नौकरी निकलती है तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, कि इन डिपार्टमेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन डिपार्टमेंट्स कल को चाहोगे एग्जाम निकलता है तो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन को इग्नोर हमको नहीं करना है। ये मैंने पहली बार स्टार्ट कराया कि कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको सॉन्ग में नहीं बताया, सॉरी, बट हाँ अब से मैं हर सब्जेक्ट में चालू करूंगा, ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये मेरी नई मुहिम है, ठीक है। अब तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि भैया एग्जाम्स में कितने मार्क्स, किस एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का आता है, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, व्हाट डज ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताओ, भाई साहब आप लोग हाईवे पढ़ना चालू कर देते हो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताओ मुझे, बताओ किस किस को ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पता है, या किस किस को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पता है, कैसे डिफाइन करोगे ट्रांसपोर्टेशन को, आप डिफाइन करो, अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन, तो आप बोलोगे जिस जिसने हाईवे डायरेक्ट पढ़ा हुआ है ना, जिस जिसने हाईवे को डायरेक्ट पढ़ा हुआ है वो कभी ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग दौड़ता है ओनली रोड्स पर, आपका दिमाग दौड़ता है ओनली रोड्स पर। अरे भैया बहुत चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बहुत चीजें हैं, तो बताओ व्हाट डज ट्रांसपोर्टेशन मींस, क्या किसी के दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक कर रहा है, आप ध्यान से देखना, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ट्रांसपोर्टेशन ध्यान से देखना, इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लीज। क्या लिखा मैंने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन ही? क्या लिखा ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन? मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना, ठीक है। और जो दूसरे एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं उनमें आती है जनरली तीन चीज, एक आते हैं इंसान जो कि हम है, जानवर जो कि कुछ मतलब जानवर आप जानते ही हो,
एंड गुड्स, गुड्स क्या होता है सामान। तो अगर मैं ह्यूमंस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख रहा हूं, अगर मैं ह्यूमंस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा भैया ये है ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स एंड गुड्स। गुड्स क्या होते हैं सामान, नॉन लिविंग थिंग, बाल्टी हो गई, कंगा हो गया, जो भी एनीथिंग है ना, उनको मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा हूं तो उनके कुछ डिफरेंट मोड्स होंगे एंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर किस किस तरीके से हम मूवमेंट करा सकते हैं। हवा में करा सकते हैं, एयर, लैंड में करवा सकते हैं एंड वॉटर। अगर मुझे किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करनी है, या तो मैं उसको पानी में शिफ्ट कर सकता हूं, या मैं उसको हवा में शिफ्ट कर सकता हूं, या मैं उसको एयर में शिफ्ट कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, मेरे को उम्मीद है कि डेफिनेशन आप शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड द डिफरेंट मोड, किस किस मोड से, किस किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। एयर से कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं और पानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं एयर, लैंड और वॉटर की बात करूं, अगर मैं एयर, लैंड एंड वॉटर की बात करूं, तो ये अगर हम सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, जमीन पे किस किस तरीके से लेके जा सकते हैं हम लोग भाई, रोड से लेके जा सकते हैं, ट्रेन से लेके जा सकते हैं, टांगे से लेकर जा सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हाँ जी जा सकते हैं। सो दैट मीन्स एंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एयर, लैंड एंड वॉटर विच इंक्लूड्स, अब ध्यान से देखना विच इंक्लूड, ये चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, विच इंक्लूड रोड्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, शिप्स। अब आपको भाई साहब यहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि अगर मुझे किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना है, तो या तो मैं उसको रोड से कर सकता हूं, रेलवे से कर सकता हूं, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन से कर सकता हूं, या शिप से कर सकता हूं। बट आप ये भूल जाते हो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एंड गुड्स। मैंने कहा था कोई भी नॉन लिविंग थिंग। आपके घर में जो पानी आता है वो किससे आता है, आपके घर में जो पानी आता है वो कहां से आता है, पाइपलाइन से आता है, सरकारी डिपार्टमेंट की पाइपलाइन है वहां से आता है। तो पानी जो आ रहा है आपके पास वो एक पॉइंट से आपके घर पर आ रहा है ना, बोलोगे हाँ सर आ रहा है ना, आ तो रहा है। तो भाई साहब पानी जो आपके घर पर आ रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। आपके घर में अभी आप जो मुझे अभी तो आप ट्रांसपोर्टेशन सोच नहीं सकते, मैं कहां पर लेके जाने वाला हूं, मैं बच्चा नहीं हूं जो हाईवे चालू करा दूंगा, हाईवे देख लो भैया कहां से रोड बनी थी, भाई साहब बच्चा नहीं हूं मैं, है ना। मेरे को फील्ड की जबरदस्त नॉलेज है और रियल लाइफ की भी, कि कितनी नॉलेज इंसान को होनी चाहिए कोई अगर वो सब्जेक्ट पढ़ता है तो बच्चों की तरह नहीं पढ़ेंगे हम, हाईवे देख लो भैया हाईवे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, है ना। तो अगर आपके घर में जो पानी भी आ रहा है ना, पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड सम, अब देखो हम क्या करते हैं, हम लोग रोड्स पढ़ लेते हैं, रेलवे पढ़ लेते हैं, एयरक्राफ्ट पढ़ लेते हैं, मतलब शिप्स पढ़ लेते हैं, बट हम लोग पाइपलाइन नहीं पढ़ते। पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आ रहा है। एंड सम अदर मोड्स, एंड सम अदर मोड्स ऑल्सो, सम अदर मोड्स ऑल्सो, ठीक है जी, लाइक पाइपलाइन। अच्छा जी, उत्तराखंड कौन बन गया है, मेरा फेवरेट स्टेट, मैं राजस्थान से हूं बट मुझे उत्तराखंड भी बहुत पसंद है, मुझे राजस्थान भी बहुत पसंद है, मुझे उत्तराखंड भी बहुत पसंद है, लेकिन दो स्टेट में मेरा आना जाना बहुत हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में
ये क्या है? ये भाई साहब ये है उड़न खटोला। क्या है ये? उड़न खटोला। मैं कहां पर गया था यहां पर उड़न खटोला मुझको मिला था? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मैं हिमाचल भी गया, हिमाचल में कम गया हूँ। हिमाचल यार थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए हिमाचल में कम जाता हूँ। उत्तराखंड तो मैं कभी भी चल जाता हूँ, जब मूड करता है उत्तराखंड भाग जाता हूँ। जब भी मुझे शांति चाहिए होती ना तो मैं उत्तराखंड पर पहाड़ पर जाकर 4 दिन बिताकर आ जाता हूँ, मुझे शांति मिल जाती है। 4 महीने के रिचार्ज होता हूँ उत्तराखंड जाकर। और मेरे उत्तराखंड वालों से जबरदस्त पटती है, दोस्त मेरे बहुत है उत्तराखंड के, क्योंकि उनको पता है ना मेरे को उनका स्टेट बहुत अच्छा लगता है तो मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको पता है, हमें सभी। मैं तो कभी भाई स्टेट के अकॉर्डिंग पार्शलिटी करता नहीं, उन्हें करनी चाहिए। आप भी कभी मत करो, है ना? मैं हूँ सबके इक्वल भाई, सब इक्वल। ठीक है, पता नहीं क्यों लोग करते हैं। ठीक है, तो ये उड़न खटोला है। तो क्या उड़न खटोला मैं हिमाचल में, एक्चुअली यार मैं, हाँ मैंने उड़न खटोला यूज करा था हिमाचल में। एक्चुअली मैंने उत्तराखंड में हिमाचल नहीं करा, मैं पहाड़ों पर बहुत जाता हूँ भाई, है ना? तो हिमाचल में मैंने उड़न खटोला यूज करा था। उड़न खटोला ने भी तो एक जगह से लेके दूसरी जगह पर मुझे मूव कराया। सो उड़न खटोला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उड़न खटोले से जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो ना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। दैट मीन्स मैंने बोला पाइपलाइन से जो आपके पास पानी आ रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। अब मैं आपने बोलो उड़न खटोला, उड़न खटोला को हम क्या बोलते हैं? केबल ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपको बता देता हूं मैं, अभी आपको मजा आएगा देखना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है? स्पेसशिप, स्पेस एयरक्राफ्ट जो स्पेस में आता है, अर्थ से दूसरे प्लेनेट में आता है। भाई ये भी तो अर्थ से दूसरे प्लेनेट पे लेकर जा रहा है, तो ये भी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो लिखा हुआ है मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमें क्या होता है, हमें क्या पता होता है भाई साहब, या तो ट्रेन है या रोड है। नहीं भाई साहब, ये जो स्पेसशिप है ना, ये स्पेसशिप ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर लेकर जाता है। तो हमने क्या लिख दिया? केबल ट्रांसपोर्टेशन। हमने सबसे पहले डिस्कस करा पाइपलाइन जिससे पानी भी एक जगह से दूसरे पॉइंट पर जाता है। फिर हम लेकर केबल ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हम लिख रहे हैं स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर अब मैं आपसे बात करूं, ठीक है जी, आप में से केदारनाथ जी कौन बन गया है? कौन कौन गया है केदारनाथ जी बताओ मुझे। अब जानते तो होंगे केदारनाथ जी बहुत हाइट पर है, उत्तराखंड में है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लोग केदारनाथ जी गए हो, तो आप में से कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे। केदारनाथ जी बहुत हाइट पर है, वहां पर ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है, आपको वहां पर पैदल चल के जाना पड़ता है। या तो आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है जिसमें आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, या फिर आपको एक खच्चर करना पड़ता है। घोड़े तो होते नहीं, वो खच्चर ही होते हैं भाई। अब घोड़े तो बोलना हो तुमको, खच्चर करके जाना पड़ता है आपको। दैट मीन्स जब आप केदारनाथ जी के लिए जाओगे तो नीचे से ऊपर आपको 10 से 12 घंटे की ट्रैकिंग लग जाती है। अगर आप पैदल जाते हो, अगर घोड़े खच्चर से जाओगे तो 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाते हो वहां पर। तो भाई साहब ये जो खच्चर है ना मेरा, ये भी तो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहा है ना। कभी केदारनाथ जी जाओगे ना तो ट्रैकिंग के लिए हिम्मत करके जाना, कि भाई साहब हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वहां पर 8 से 10 घंटे आपको चलना पड़ेगा पूरा पूरा। ऐसा नहीं और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट ट्रैकिंग करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? ठीक है, तो अगर हम लोग बात डिस्कस करें तो केबल ट्रांसपोर्टेशन, उड़न खटोला से भी होंगे, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट में है मेरा एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हम जनरली डील करते हैं। कौन कौन सा? आप देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, व्हाट डस ट्रांसपोर्टेशन मींस। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, मैं हड़बड़ी में नहीं आऊंगा, क्योंकि तो हड़बड़ी में काम बिगड़ता है। तो हम लोग बात करें व्हाट डस ट्रांसपोर्टेशन मींस। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स एंड। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहे सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट क्या है? आपका एरोप्लेन है, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, आप लोग इसमें बैठे होंगे, है ना? एयर इनकम बोल देते हैं, एयरवेज, एयर वेज। तो एयरवेज हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन मतलब स्पेस एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे, इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन रेलवे भी हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
एनिमल ट्रांसपोर्टेशन, जानवरों के थ्रू भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, शिप्स के थ्रू भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। आप देखो ये क्या है, ये वैसी लग रही है ना जो स्पाइडरमैन मूवी नहीं है कि बहुत पुरानी, तो स्पाइडरमैन मूवी में वो ऑक्टोपस जो होता है ना, वैसा लग रहा है ऑक्टोपस नहीं है, ये है आपकी पाइपलाइन। तो ये भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये रोड्स और हाईवेज, और ये है हमारा उड़न खटोला। आपको हेलीकॉप्टर ऐसा लग रहा होगा बट ये उड़न खटोला है। तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब हमें फोकस किस किस पर करना है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में जिस पर फोकस करा गया है, हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में जिस पर फोकस करा गया है वो कौन कौन से हैं? एक है एयरवेज, एक है रेलवे, एक है शिपिंग या शिप्स, फिर डॉक्स एंड हार्बर्स, और एक है आपका हाईवेज। तो हमारे ये जितने भी एग्जाम मैंने आपको बताया, मैंने रेड में आपको पूरा अंडरलाइन कर दिया कि हमारे एग्जाम में ये चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गए, हाईवेज हो गए, एंड शिप्स हो गए, दैट मीन्स डॉक्स एंड हार्बर। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें जो फोकस करना है वो अपने चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर करना है, रेलवे पर, हाईवे पर, शिप्स पर एंड एयरवेज पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने इंडिया के बारे में जानते हो, आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप इंडिया के बारे में जानते हो कि इंडिया की जो इंडियन रेलवेज है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पर स्टैंड करती है? बताओ भाई। हमें फोकस करना है किस किस पर? एक हमें करना है रेलवे पर, एक हमें फोकस करना है ठीक है हाईवे पर, हाईवे और रूट्स। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ये क्या क्या टर्म्स हैं सब धीरे धीरे करके मैं एक एक परत खोल दूंगा इसकी, टेंशन मत लेना। थोड़ा बताइए यार, रोड्स तो सबको पता होती है ना भाई, ये रोड्स क्या होती है, हम क्या जब चालू करूंगा तब बताऊंगा रोड्स क्या होती है, बट रोड्स वैसे भी आपको पता ही है ना, रेलवे पता है ना, रेल क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, रेल नहीं, आपको रेल नहीं पता होगा, आपको ट्रेन पता होगा है ना, वो तो हमें ट्रेन के बारे में पता है। और हमें किसके बारे में पता है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, हमें तो जनरली फोकस करना किसके बारे में पूछा है, रेलवे पर करना है, हाईवे पर करना है, और हमें फोकस करना है शिप्स पर करना है, शिप्स एक्चुअली शिप्स पर नहीं करना है, वो मैकेनिकल का पोर्शन है, बट शिप्स जहां आकर रुकते हैं हमें शिप्स पर नहीं करना, शिप्स तो यार मैकेनिकल वाला पोर्शन है, मैकेनिकल वाले डिजाइन करते हैं शिप्स को, हमारा काम क्या है कि शिप जहां पर रुकेगा। भाई एक काम बताओ, मान लो आप अपना घर खाली कर रहे हो तो आप क्या बनाते हो, आप क्या बनाते हो, अब मैं ऐसा शानदार वर्ड बोलूंगा जिसको लड़के बॉयज अच्छे तरीके से जानते हो, छोटा हाथी, जानते हो छोटा हाथी, छोटा हाथी आता है ना, तो क्या है छोटा हाथी, क्या है हमारे घर से सामान लेता है और हमारे दूसरे घर पर शिफ्ट कर देता है, उसी तरीके से शिप्स जहां पर अपना सामान लोड और अनलोड करते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्स। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डॉक्स हार्बर्स। अभी मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, आप अभी बस इतना ध्यान रखो, डॉक्स का मतलब क्या है, जिस जगह समुद्र में, जिस जगह समुद्र में आपका जो सामान होता है लोडिंग और अनलोडिंग जिस जगह होती है उनको हम बोलते हैं डॉक्स। और हार्बर्स क्या है? पार्किंग समझ लो आप, अभी हार्बर्स क्या होता है? पार्किंग, भाई अपनी पार्किंग, मॉल में आते हैं तो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं ना, तो हार्बर्स पार्किंग होती है, हम धीरे धीरे करेंगे। शिप्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो मैकेनिकल का पोर्शन है, मैकेनिकल वाले जाने शिप्स की डिजाइनिंग कैसे होती है ना, वो मैकेनिकल का पार्ट है ठीक है, एक्चुअली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों का ठीक है, डॉक्स एंड हार्बर्स एंड लास्ट में हमारा एयरवेज ठीक है, ठीक है ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन रेलवे का जो टोटल ट्रैक लेंथ है, जो उसकी ट्रैक्स है, दैट मीन्स जो पटरियां हैं, कितनी हैं और कितने नंबर पर इंडिया की रैंक है? अगर हम पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन करें तो हाईवेज एंड रेलवेज में हम टॉप 5 में हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो हाईवेज
एंड रेलवेज में हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 पर। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है उसकी जो पटरियों की लेंथ है, ट्रैक जिसको बोलते हैं, जिस पर ट्रेन चलती है, एक्चुअली आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये जीके की भी नॉलेज है। आप बोले मेरे साहब सर हाईवे पढ़ाओ ना रोड चालू, मैं नहीं करूंगा भाई, आपको हल्के फुल्के नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको मैंने बता दिया कि इन चारों को एयरवेज, रेलवेज, हाईवेज एंड डॉक्स एंड हार्बर्स, इनके बारे में आपको जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, तो होनी चाहिए फिर, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि जो हमारा इंडिया का जो रूट है क्या है, इंडिया के जो ट्रेन, जिस ट्रेन पर हम आते हैं, हम बोलते हैं रेलवे नेटवर्क, हमारा इंडिया की जो रैंक है आप बिलीव नहीं करोगे, टॉप 5 में है। जो हमारी पटरियां, जब जिस पर ट्रेन हमारी दौड़ती है, वो हमारी 65,000 किलोमीटर है। दैट मींस हमारी जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में, आप देखो डेटा अपडेट शायद हो गया हो, मुझे नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग है ना थोड़ा सा डेटा अपडेट हो सकता है। अब आजकल में अगर लेंथ बढ़ गई होगी तो मुझे नहीं पता, 65,000, ये हल्का सा पुराना डेटा है ना, 65,000 किलोमीटर लेंथ है हमारे इंडिया के रेलवे ट्रैक या रेलवे नेटवर्क की। तो अगर आप पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेटवर्क किसका है, आप बिलीव नहीं करोगे, यूएस का, 2.5 लाख किलोमीटर वर्ल्ड में जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे, रेलवे ट्रैक का, जहां पर पटरियों पर ट्रेनें दौड़ती हैं, वो किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का, 2.5 लाख। सेकेंड नंबर पर चाइना, 1 लाख, चाइना थोड़ा सेकेंड नंबर पर है ना। हाँ, अभी धीरे धीरे करके हमारी ट्रेन्स की, और देखो ट्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये हम शायद इसको जल्दी हम लोग बीट कर दें चाइना को, हम चाइना से ऊपर निकल जाए। उसके बाद है रशिया, रशिया में है आपकी 85,500 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन में भी पता होना चाहिए कि हमारी रेलवे के जो ट्रैक लेंथ है, हम वर्ल्ड में 4th नंबर पर है, और हमारे जो ट्रैक की लेंथ है वो कितनी है, 65,000 किलोमीटर। ठीक है, अभी आपको मैं लिखने का मौका दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, लिखना है तभी आगे मजा आएगा, ठीक है जी। अब अगर हम लोग हाईवे की बात करें, अगर मैं आपसे हाईवे की बात करूं तो इंडिया हमारा 2nd नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में। आप बिलीव नहीं करोगे कि देखो अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की जो लेंथ हम कितनी, 65,000 किलोमीटर। अगर मैं आपसे रोड्स की, हाईवेज की अगर पूरी लेंथ बता दूंगा ना, कितनी लेंथ है ना, मेरे आपके सामने क्या पब्लिक है, हाईवेज एंड रोड्स, तो आप बिलीव नहीं करोगे हमारा इंडिया 2nd नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। और जो रोड्स की लेंथ है वो है जनरली अराउंड 55 लाख किलोमीटर्स, यहां पर था 65,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, और जो हमारी रोड्स है वो कितनी है, 55 लाख किलोमीटर। अब आप सोचोगे एक चीज देखना ध्यान से, देखो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, लाइक यूएस के सामने यहां पर यूएस लिखा है, चाइना लिखा, रशिया, तो यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ध्यान बस इस पे ही होना चाहिए कि आपने सर इंडिया का लिखा है ना, क्योंकि हमारे देश की चीज है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है कल को आपके जो एग्जाम आप लोग देते हो कि उसमें भी ये डायरेक्ट आ जाए। वापस से अगर हम बात करें तो यूएस और थर्ड में हमारा चाइना, ठीक है, यूएस हमारा रेलवे में भी नंबर वन है और यूएस हमारा हाईवे में भी नंबर वन है, अराउंड 68 लाख किलोमीटर रोड है इसके पास, और चाइना की कितनी, 50 लाख। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे लिए गर्व वाली बात है हमारे देश के लिए, बिल्कुल है यार, हम पूरे वर्ल्ड में स्टैंड कर रहे हैं 4th नंबर पर, 2nd नंबर पर, तो ये तो हमारे लिए गर्व वाली बात है, और ये आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा ना आगे, अगर आप लोग लिटरली शॉक्ड हो जाओगे, सीरियसली अगर मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आगे की बातें डिस्कस करूं तो आप लोग सीरियसली शॉक्ड हो जाओगे। मेरा जो 2nd लेक्चर होगा ना वो आपको इतना शानदार मजा लाने वाला है ना आप, ये तो इंट्रोडक्शन है ओनली, क्या क्या हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे,
आगे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपको मजा नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है ना? मेरा नाम तो पता ही होगा आपको, ठीक है? लास्ट, अगर मैं डॉक्स एंड हार्बर्स की बात में बात करूं, दैट मींस जहां पर मेरे शिप की लोडिंग अनलोडिंग लाइट छोटा आती और ये मॉल की पार्किंग। डॉक्स मतलब छोटा आती जो हमारे घर पर आया था सामान वामान लेने, और ये आपका, ठीक है? अब आपने एक टर्म और पढ़ी होगी पोर्ट। ये पोर्ट भी डॉक्स से ही रिलेटेड करो। अभी मैं आपको सब, जब इन पर हम आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डॉक्स होता है, क्या हार्बर होता है, क्या पोर्ट होता है, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के तरीके से लेके चलेंगे। तो डॉक्स और पोर्ट को, पोर्ट का भी आप सेम लेके चलो। पोर्ट मतलब भी जहां पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। अब हाँ, इसमें मैं वर्ड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसमें टॉप फाइव में नहीं है। आप बोलोगे सर आपने यहां तो वर्ड के बारे में बताया कि वर्ड में हम कौन से नंबर पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप फाइव में थे इसलिए बताया। इसमें नहीं है, एयरवेज में और डॉक्स में हम टॉप फाइव में नहीं है, इसलिए मैंने आपको वर्ड के बारे में, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब अगर हम बात करें पोर्ट्स, बंदर का, शिप्स आते हैं ना जहां पर शिप्स रुकेंगे, सामान चढ़ेगा उतरेगा, हमारा इंडिया का सबसे बिजी होने वाला बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है जहां से सबसे ज्यादा सामान चढ़ता उतरता है? सबसे ज्यादा सामान जहां से हमारा चढ़ता उतरता है वो है नवी मुंबई में। कहां पर है वो? नवी मुंबई में। अभी मैं आपसे कह रहा डॉक्स और पोर्ट को सेम लेकर चलो कि हाँ, जहां पर अभी मैं आपको आगे इनका डिफरेंस बताऊंगा। एक्चुअली डॉक्स पे सामान रिपेयर भी हो जाता है, वो लाइक सर्विस सेंटर भी होता है डॉक्स आपका, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, है ना? है ना, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। तो जो बिजिएस्ट पोर्ट है पूरे इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा सामान लोडिंग और अनलोडिंग होती है वो है हमारा नवी मुंबई में, और इसका नाम है नहावा सेवा पोर्ट। नहावा सेवा पोर्ट इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, और आप बिलीव नहीं करोगे 100% में से 100% में से 55% ओनली इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं, 55% काम अकेला ये पोर्ट करता। कौन सा? नहावे। इसका नाम याद रखना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है एसएससी जेई में, और मेरा ट्रांसपोर्टेशन में भी लिंक करता है, इसलिए मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में बता रहा हूं। नहावा, नहावा सेवा, SHEVA पोर्ट, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड में, मैं आपको बताना चाह नहीं रहा हूं क्योंकि हमारा नहीं है, वर्ल्ड में सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है वो है चाइना। वर्ल्ड में सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जहां पर सबसे ज्यादा सामान इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो है कहां पर आपका? चाइना के अंदर। और चाइना में भी किस जगह है आपका? शांघाई। शांघाई तो आप जानते होंगे, तो शांघाई में वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। अभी मैं बताऊंगा पोर्ट क्या होता है, डॉक्स क्या होता है, हार्बर्स फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, करेंगे या नहीं करेंगे वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले तो अभी आप चलने दो क्योंकि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अब ठीक है, एयरवेज, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? ऑब्वियसली दिल्ली में है ना। इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहां पर है आपका? दिल्ली में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। अब आपसे ये चीज पूछी जाएगी, क्या हम वर्ल्ड के टॉप 10 में इसमें सर कहीं पर आते हैं? तो हम टॉप 20 में आते हैं, टॉप 10 में तो नहीं आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, क्योंकि, और सबसे बड़ी बात, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन कंट्री है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप थोड़ा लिख लेना है, थोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है जी। आज मैं सिलेक्शन को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, बट आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बहुत हल्का हल्का डिफरेंट पढ़ा रहा हूं तो आपको शायद फिर बोलोगे सर क्या है, तो इसलिए मैं इसको अराउंड एक घंटे का रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हमारा थर्ड लेक्चर जो होगा वहां से हम अपना हाइट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एयरवेज में हमारा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और बिजिएस्ट होने में ये वर्ल्ड में 16th नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब देखो, तो हमने डिस्कस कर लिया भाई साहब, हम लोग चार मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जबरदस्त तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ये करने वाले भी है नहीं करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा।
अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके सामने हाईवे का सिलेबस। हाईवे में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम हाईवे में कवर करेंगे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान। अभी तो मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ, ये लिख लेना भाई साहब, क्योंकि चारों के सिलेबस एक साथ किसी बुक में भी आपको आप बुक्स भी खोल लोगे ना, कोई भी बुक खोल लो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक खोल लो, आपको ये सिलेबस एक साथ लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए सारे सिलेबस लिख लेना। डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चालू करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, कहां पर हम 10वें पे ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हाईवे में जो हम यूनिट्स कवर करेंगे वो कौन कौन से करेंगे? हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड मटेरियल्स, और लास्ट में आएगा हमारा हिल रोड। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर ये जेई का सिलेबस है, ए का सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, किसका सिलेबस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब ध्यान से देखना। तो हाईवे का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या आपका, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस मटेरियल्स एंड हिल रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मेरा रेलवे का सिलेबस। देखो ट्रेन भी आ रही है ना, मस्त बढ़िया सी। रेलवे के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, रेलवे टर्मिनोलॉजी, रेलवे ट्रैक, स्ट्रेसेस इन रेलवे ट्रैक, ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, रेल जॉइंट्स एंड वेल्डिंग ऑफ रेल्स, क्रीप ऑफ रेल्स, स्लीपर्स, ट्रैक फिटिंग एंड फास्टनिंग, ब्लास्ट, सबग्रेड एंड अमेंडमेंट, ट्रैक अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, स्टेशन एंड यार्ड्स, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप अपने रजिस्टर में ये सारे सिलेबस लिख लेना, ये आपको किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली हाईवे नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली हाईवे नहीं है। चार मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हाईवे, रेलवे, एयरवे एंड आपका डॉक्स एंड हार्बर्स, ठीक है। तो हमने रेलवे भी डिस्कस कर लिया, हाईवे भी डिस्कस कर लिया। थर्ड है हमारे पास एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, दैट मींस एयरवेज। एयरवेज में क्या क्या सिलेबस आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट प्लानिंग, रनवे डिजाइन एंड रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, एयरपोर्ट कैपेसिटी, टैक्सीवे डिजाइन, ड्रेनेज सिस्टम एंड हेलीपोर्ट। तो ये सिलेबस है आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है। और लास्ट में आता हमारा, लास्ट में अभी तो हमारा डॉक्स एंड हार्बर्स भी है, उसके बाद आएगा हमारा टनल इंजीनियरिंग। अब टनल की अगर हम बात करें तो टनल रोड्स के लिए भी बनती है और टनल आपकी ट्रेन्स के लिए भी बनती है, दैट मींस रेलवे के लिए भी बनती है। तो टनल इंजीनियरिंग पढ़ने का भी आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपकी रोड और ट्रेन टनल्स के अंदर से जाती है, लाइक जमीन के अंदर से जाती है या पहाड़ के अंदर से जाती है। तो हमें रोड्स और हाईवे के लिए टनल इंजीनियरिंग को भी पढ़ना पड़ेगा। ये कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बट हाँ हमारे रेलवे और हाईवे इस जगह से निकलते हैं, ठीक है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन, टनलिंग मेथड्स, टनलिंग इन सॉफ्ट सॉइल ऑफ द रॉक्स, कंप्रेस्ड एयर टनलिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, शाफ्ट, टनल लाइनिंग, ड्रेनेज ऑफ टनल्स एंड टनल वेंटिलेशन। तो यहाँ पे टनल का हो गया। लास्ट मेरा जो बच रहा है आपको बच रहा है हार्बर्स एंड डॉक इंजीनियरिंग। इस पे जो सिलेबस है वो है आपका हार्बर्स, नेचुरल फेनोमेना, टाइड्स, विंड्स एंड वेव, ब्रेक वाटर, डॉक्स एंड रिपेयर ऑफ डॉक्स, एंट्रेंस रॉक्स, क्वेज, ट्रांजिट शेड एंड वेयर हाउसेस एंड मेंटेनेंस। अब सुनो, तो सर ये जो आपने सिलेबस बताया ये किस एग्जाम का है? ये सब एग्जाम्स का है, जितना भी सिलेबस मैंने आपको अभी दिखाया ये आईपीएस और गेट का भी सिलेबस है। दैट मींस इंडिया में जितने भी सरकारी एग्जाम होंगे, उनमें से मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैंने सिलेबस आपको यहां पर लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस सिलेबस में। अब अगर हम बात करें, अब ध्यान से देखना, हमारे चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स या हाईवे, रोड्स ऑब्लिक हाईवे। अब मैं मेन बात अपनी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? रेलवेज। अब ध्यान से देखना, थर्ड आपका डॉक्स एंड हार्बर्स, और फोर्थ है आपका एयरवे।
या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एक्चुअली एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कोर्स। अब आपको ध्यान से सुनना, अब सर आप किसके लिए पढ़ाओगे, क्या आप गेट के लिए पढ़ाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप आईईएस के लिए पढ़ाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जहां पर आपने गेट और आईईएस को छोड़ दिया, आपके ये दो सब्जेक्ट डायरेक्ट कैंसिल हो गए। दैट मींस अगर आप लोग इंडियन ई सर्विस और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर आप जेई के लिए और ए के लिए पढ़ रहे हो तो आप डॉक्स एंड हार्बर्स और एयरवेन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डायरेक्ट छोड़ सकते हो। तो क्या हम लोग डॉक्स एंड हार्बर्स का कवर नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आई विल टीच ओनली फॉर जेई एंड एई एग्जाम्स। मैं आपको आईईएस और गेट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर जेई एंड एई एग्जाम्स, जिसमें डॉक्स एंड हार्बर्स एंड एयरवेन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और लास्ट में टनल, टनल भी जेई और ए में नहीं आता, टनल भी लिख के काट दो। इन तीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। टनल भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, टनल भी आपके एग्जाम्स में नहीं आता। तो सर क्या आता है? सर आपका एग्जाम्स में आता है रोड्स एंड रेलवे, और रोड्स एंड रेलवे भी कुछ यूनिट आपकी एग्जाम्स में नहीं आती है, जो मैंने आपके सिलेबस में बताई है। क्योंकि ये जो रोड्स और ये जो सिलेबस है ना आपके वाला, कहां गया यार, ये या फिर ये सिलेबस मैंने आईईएस के लिए गेट के लिए सब लिखा हुआ है। तो आप टेंशन मत लो, इतनी सारी यूनिट्स आपको नहीं पढ़नी है, इसमें से कुछ ही यूनिट्स आपके जेई और एग्जाम्स में आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो।